ये रही भाई N160 एकदम ब्रांड न्यू चमचमाती हुई। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, ये वाली जो कलर है मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं राइड करूँगा इसे एंड अजम विल राइड अपाची 164V। पता नहीं है क्या, मैं ओवरटेक ले रहा हूँ। नहीं नहीं ले पाएगी ओवरटेक, नहीं ले पाएगी। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो पल्सर N160 बिल्कुल ब्रांड न्यू बजाज ने लॉन्च किया। एंड यहाँ पे भाई अपाची 164V RTR देख सकते हो। ये रही अपाची TVS की एंड ये रही भाई बजाज की पल्सर N160। एंड बात करते हैं अभी यहाँ पे कंपैरिजन की, हम लोग करने वाले इन दोनों बाइक की ड्रैग रेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की लुक की। लुक वाइज आप देख सकते हो ये दोनों बाइक बहुत ही प्यारी एंड नेकेड स्पोर्ट्स है, मतलब समझ लो यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, सिटी राइड के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो अभी इन दोनों बाइक में हम लोग करने वाले ड्रैग रेस। तो जल्दी से गाइस कमेंट करके बता दो कि मैं कौन सी बाइक को राइड करूँ। वैसे आप लोग जब तक कमेंट करो तब तक तो ये वीडियो आगे बढ़ जाएगी। और बात करते हैं अब लुक्स की, यहाँ पे देख सकते हो प्योर आपको हेडलाइट जो N250 वाला था सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड स्पीडोमीटर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रही स्पीडोमीटर इसकी, बहुत ही प्यारा डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों दिया गया है, क्योंकि इसमें जो एनालॉग है ना उसमें जो फील आता है यार बहुत ही मज़ेदार होता है। और ये जो डिस्प्ले, इसका नाम है इन्फिनिटी डिस्प्ले, देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एजेस नहीं है, पूरा इन्फिनिटी डिस्प्ले दिया गया है। अब आते हैं हम लोग अपाची पे। अपाची के हेडलाइट देखो यार, ये काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी अच्छी लुक की है जो कि बाइक को बहुत स्पोर्टी लुक देती है। और अब आते हैं इसकी स्पीडोमीटर पे, ये कुछ ऐसे इसकी स्पीडोमीटर है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिल जाएगा, इसमें स्पोर्ट्स मोड, अर्बन मोड, ऐसे करके रोड मोड, ऐसे करके तीन मोड्स इसमें दिए पड़े। तो ये रही कुछ बाइक की लुक। एंड इसकी एग्जॉस्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की एग्जॉस्ट मिलती है आपको अपाची RTR 164V में। बट अगर बात करते हैं N160 की, तो यहाँ पे आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलती है, बाहर आपको कोई भी मफलर देखने को नहीं मिलता है। एंड इसकी साउंड नोट काफ़ी अच्छी है। तो बात करते हैं अब यहाँ पे बाइक की कलर की, ये जो कलर इसकी मैं बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। साथ ही साथ इस बाइक में आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए ये देखो USB भी दिया है इन्होंने ड्यूरिंग राइड्स, यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इवन आप लोग अगर बाइक पे लॉन्ग राइड भी करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें चार्जिंग वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। तो बिना लेट के यार स्टार्ट करते हैं ड्रैग रेस को। यार आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जल्दी से बताना, इन दोनों बाइक में कौन सी बाइक आपको अच्छी लग रही है एंड कौन सी बाइक अभी यहाँ पे विनर होने वाली है। तो चलो सीधा मिलता है गाइस ड्रैग रेस पे। तो ये रही भाई N160 एकदम ब्रांड न्यू चमचमाती हुई। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, ये वाली जो कलर है मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं राइड करूँगा इसे एंड अजम विल राइड अपाची 164V। ये सामने रही RTR 164V। एंड एक और चीज़ बताता हूँ भाई, इसमें मोड्स दिए पड़े, इसमें मोड्स नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। एंड अभी आप लोग को अगर ये बाइक लेनी है तो भाई ये बाइक अभी पटना में अवेलेबल है एट कल्हानू बजाज, वहाँ पे जाके आप इस बाइक की टेस्ट राइड भी ले सकते हो, वहाँ पे आप बाइक को टेस्ट राइड कर सकते हो फॉर 5 किलोमीटर्स या गाइस 5 किलोमीटर तक का आप टेस्ट राइड कर सकते हो। ऐसा पहली बार हुआ कि भाई बजाज की तरफ से बाइक में 5 किलोमीटर की टेस्ट राइड दी गई है। तो चलो बिना लेट के करते हैं इस ड्रैग रेस को स्टार्ट एंड देखते हैं गाइस क्या होता है रिजल्ट एंड कौन होता है इन दोनों में विनर। एक्सेलरेशन मैंने ले लिया, काफी पीछे छूट गई है। इनिशियल पंच में बात की जाए यार तो अपाची से काफ़ी कम है इसकी इनिशियल। अब बात आएगी टॉप एंड की, तो देखते क्या होता है।
128 यार, मतलब कोई टक्कर ही नहीं है इनिशियल से लेके मिड से लेके टॉप एंड तक। अपाची 164 भी बिल्कुल आगे रह गई एंड ये बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू, आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर चली पड़ी है। तो मे बी यार आफ्टर फोर सर्विस बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़े, बट अभी यार 128 के आगे बाइक बिल्कुल नहीं गई, मैंने पूरे रास्ते स्लिप स्ट्रीम लिया। तो एक बार हम लोग राइडर चेंज भी कर लेंगे, 128 उस पर लिमिटर आ गई या 128 अच्छी भाग गई, बहुत अच्छी गई, मतलब पावर इसमें ज्यादा है, तो पावर इसमें इनिशियल से लेकर टॉप एंड तक बहुत अच्छा है, ये चीज तो मैं मानूंगा अपाची को लेकर। बट अब बात करते अगर लुक वाइज यार, तो लुक वाइज देखो अपाची भी बहुत अच्छी लग रही है, बट कहीं ना कहीं ये बाइक अगर आप लेते हो ना तो आपको लुक में भाई कहीं पे भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, और बिल्कुल लग रही है कि N250 टाइप्स है, देखा जाए 160 सेगमेंट में मतलब बहुत ही खूबसूरत है। एंड एक और चीज़ मैं बता रहा भाई, इसके जो ये वाले देख रहे हो पूरे पैनल पे पूरा एरोडायनामिक्स दिया गया, बहुत ही प्यारा ग्राफिक्स भी बहुत यूनिक है, मतलब इस सेगमेंट की बाइक में ऐसे ग्राफिक्स आपको नहीं मिलेंगे। डुअल चैनल एबीएस भी आता है इसमें, तो नया वेरिएंट जो भी है, मतलब इसमें दो वेरिएंट आता है, एक तो डुअल चैनल एबीएस जिसमें पूरा कंप्लीट ब्लैक बाइक मिलेगी, और इस वाले में आपको 3 कलर मिलती है। तो ये रही कुछ ऐसी बाइक, तो सेकंड हैंड लेके देखते हैं, चलिएगा इस टाइम फॉर सेकंड हैंड फैन देखते हैं। एक्सेलरेशन में काफी तगड़ा लैग है, पूरी कोशिश कर रहा हूं, और अपाची अच्छा भागती है ये चीज तो है, धीरे धीरे मैं तो नजदीक पहुंच रहा हूं। क्या पता लगता है मैं इस बार ओवरटेक लेने का सिनेरियो कुछ बन सकता है, नहीं नहीं हो पाया क्योंकि इसका लिमिटर आ चुका है, लिमिटर हिट कर रही है, बट आई थिंक धीरे धीरे पकड़ भी रही है, पकड़ रही है क्या, मैं ओवरटेक ले रहा हूं, नहीं नहीं ले पाएगी ओवरटेक, नहीं ले पाएगी, इसका लिमिटर काफी पहले हिट कर रहा है, एटलीस्ट 10,000 ऊपर होना चाहिए था। यहाँ पे भी देखा यार आपने, अभी अपाची भी 127-128 क्लॉक कर रही है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है बाइक, इट मीन्स कि इस बाइक की जो इनिशियल पंच है जिसके वजह से इन दोनों बाइक के बीच में काफ़ी अच्छी खासी गैप बन जाती है, एंड जो N160 हमारी वो इस गैप को फिल नहीं कर पा रही है। तो अभी पूछते हैं अजम से इसने अभी कितना भगाया बाइक को, 126 पे 126। हाँ तो सेम, देखो मैं बता रहा हूँ दोनों बाइक सेम जा रही है ठीक है, बट जो गैप ना इनिशियल में बन जा रहा ना वही गैप बना रहा जा रहा धीरे धीरे ये, लेकिन फिल कर रही है स्लिप स्ट्रीम लेने पे, स्लिप स्ट्रीम ले लेकिन हटते हैं ना। हाँ, हो जाते हाँ, मतलब बिना स्लिप स्ट्रीम, क्योंकि नेकेड है ना, नेकेड है ये सबसे बड़ी पॉइंट है नेकेड बाइक्स में, अगर आपको स्लिप स्ट्रीम लेना ही पड़ेगा आपको एक्चुअल ड्रैग रेसेस करना है तो ये चीज़ आपको दिख गया यहाँ पे। एंड ओवरऑल अगर बात की जाए यार, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना गाइस कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा प्यारी लग रही है इन दोनों में, N160 यहाँ देख सकते हो, ओवरऑल मैं लुक दिखा देता हूँ पूरे तरीके से। एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ यूनिक क्या लगी, इसका जो इंजन वाला ये पोर्शन है ना, इसका कलर काफ़ी यूनिक, मतलब ये रोज़ गोल्ड जैसा दिख रहा है, तो बाइक में ये पूरा हट के दिख रहा है, ये अभी तक मैंने किसी और बाइक में नहीं देखा, इतनी यूनिक सी दिख रही है। DTSI ट्विन स्पार्क इंजन आती है इसके, एंड आता है अपाची पे, यहाँ पे देख सकते हो एज ऑलवेज TVS की यहाँ पे ब्रांडिंग आती है। तो ओवरऑल आपने देखा यार ये रहा रिजल्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे, एंड ऐसे वीडियो के लिए भाई बने रहे, मिलते फिर अगले व्लॉग में गाइस, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।